डॉल्फिन पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। शाहदरा को सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का फैसला। मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। रावे पुल की मरम्मत और बहाली का भी प्लान। शाहदरा चौक आज रात से ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादल रास्तों का भी बता दिया। शेखुपुरा जाने के लिए मोटरवे, रिंग रोड, सदिया बाईपास इस्तेमाल होगा। मकामी ट्रैफिक बारह दरी और काला खताई रोड से गुजारी जाएगी। DGLDA मोहम्मद अली रंधावा को ब्रीफिंग। ठंडे मौसम में सियासत की गर्मा गर्मी। PDM का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बायकॉट का फैसला। नवाज शरीफ ने भी तौसीक कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से तबादला ख्याल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जेर सदारत इजलास। पंजाब KPK में इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट में केस पर बातचीत। इमरान खान से सीनियर सहाफियों की भी मुलाकात। चौधरी गुलाम हुसैन, अनस जफर, ताहिर अहमद समेत दीगर शामिल। कप्तान ने खिलाड़ियों के साथ अफ्तारी की। एक बार फिर आईन पर हमला हुआ। मनपसंद कानून साजी नहीं चलने देंगे। अदालत आईन को सामने रखकर फैसला करे तो इंतखाबात की तवक्को की जा सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया टॉक। उधर अदालत से शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के बुरी जमानतों में 13 अप्रैल तक तोसी। तहरीक इंसाफ का सियासी जमातों से राबितों का आगाज। असद उमर और एजाज चौधरी की मंसूरा में सिराजुल हक से मुलाकात। जमात इस्लामी के साथ रवाबित बरकरार रखने पर तबादला ख्याल। मुल्की सियासी सूरत हाल भी जेरे गौर आई। चौधरी परवेज इलाही के भी सीनियर रहनुमाओं के साथ राबते। आईन के तहत 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात का इनकार यकीनी बनाए। रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक की मॉडल टाउन में कारकुनान के साथ गुफ्तगू। तहरीके में नहाजुल कुरान के तहत इफ्तार डिनर भी कराया गया। सदर नून लीग लाहौर सादिया तैमूर की जेर सदारत इजलास। किशोर बाजवा, नसीम बानो, साइमा शेख की शिरकत। खवातीन अहदेदारान में तंजीम साजी के फॉर्म तकसीम किए गए। पार्टी के लिए फाल किरदार अदा करने की हिदायत। शहर में सर्द हवाओं का राज। मौसम खुशगवार हो गया। मतला जुजवी अबर आलूद रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज पूरा दिन मौसम खुश्क रहेगा। शालामार की भोगेवाल रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। जगह जगह गढ़े पड़ने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किल। इलाका मकीन कहते हैं कई बार दरखास्तें दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। तरक्की पाने वाले DSPs के एजाज में तकरीब। DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद को सर सुहेब अशरफ समेत दीगर की शिरकत। अफसरान को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। अल खिदमत फाउंडेशन विमेन विंग की जानिब से खसूसी इफ्तार डिनर। यतीम बच्चों और बेवकान के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। राशिदा शाहीन की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। बच्चों के लिए पेट शो, टैलेंट शो, टैबलो और फेस पेंटिंग का एहतमाम किया गया। बच्चों और बेवगान में ईद गिफ्ट्स और राशन बैग्स भी तकसीम किए गए। मुशीर खेल वहा ब्याज की जेर सदारत इजलास। रमजान स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के इंतजाम का जायजा। कमिश्नर मोहम्मद अली रद्दावा, अब्दुल सलाम आरिफ समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। रियाज हुसैन मलिक बैडमिंटन टूर्नामेंट। गौहर नफीस और मुदस्सिर रियाज की फतेह। फाइनल में सुहेल मसूद और मोहम्मद आबिद की जोड़ी को शिकस्त हुई। राना इरफान और मोहम्मद तौकीर ने भी अपना मैच जीत लिया। हिदायतकारा संगीता का ड्रामा बुल्हे शाह की रिकॉर्डिंग। एवेन्यू स्टूडियो में ड्रामे की एक्सबंदी। नुमान एजाज और जाविया नुमान ने अपने सीन फिल्म बंद कराए।